हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का, जो रिलेटेड है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, यानी कि जनजाति जो थी उनसे है, अलग अलग जनजाति जो हुई, गोंड है, संथाल है, बकरवाल है, तो ये जनजाति कहाँ की थी इनके बारे में है ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में संलग्न थे। मतलब कुछ ऐसे थे, कुछ आदिवासी समुदाय ऐसे थे जो खेती करते थे, कुछ आदिवासी समुदाय ऐसे थे जो शिकारी थे या संग्राहक थे, कुछ जानवर पालकर अपनी जीवन यापन करते थे, कुछ ऐसे थे जो खेती करते थे। तो यानी कि समुदाय जो थे, आदिवासी समुदाय जो थे वो बहुत सारे थे और उनके काम भी जो थे वो अलग अलग थे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ झूम खेती करते थे, यानी कि कुछ समुदाय ऐसे भी थे जो झूम खेती करते थे। और ये समुदाय जो थे कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जंगली पट्टियों में थे उस वक्त। ठीक है, आगे देखिए, झूम खेती घुमंतू खेती को कहते थे। झूम खेती जो है, घुमंतू खेती कौन सी होती है, जहां पे क्या करते हैं कि वो जो है स्थायी रूप से वहां पर कृषि नहीं करते हैं। एक बार उन्होंने कृषि की फसल काटी और वहां से फिर दूसरी जगह चले गए, और फिर वहां जाकर कृषि की, वहां से फसल काटने के बाद वहां से जो है वो चले गए। तो ये होती है झूम खेती, जिसे हम घुमंतू खेती भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता, देखिए, जिसमें जंगलों के छोटे छोटे अस्थायी भूखंडों पर खेती की जाती थी। ठीक है, धूप के लिए पेड़ के ऊपरी हिस्सों को काटा जाता था, घास फूस जलाकर उसकी राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाकर खेती की जाती थी। तैयार फसल काटकर दूसरी जगह के लिए लोग चल देते थे। वही था कि सिर्फ एक बार कृषि करते थे फिर दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये होती है झूम खेती, जो कुछ आदिवासी समुदाय करते थे। आगे देखिए, कुछ ऐसे थे जो शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में जो है आदिवासी समूह जो थे वो पशुओं का शिकार करके या फिर जो भी वस्तुएं उन्हें मिलती उन्हें इकट्ठा करके जो है अपना काम चलाते थे। ठीक है, वो लोग जो थे वो खेती नहीं करते थे, वो सिर्फ शिकार करते थे और जो चीजें उन्हें जंगलों से मिलती वो उन्हें इकट्ठा करते, उन्हें बेचते, अगर वो बेचने लायक है तो उन्हें बेचकर जो है अपनी आजीविका कमाते थे। ये देखिए, ऐसी ही जो है शिकारी और संग्राहक की एक जाति थी खोंड। ये कहां पर थी, उड़ीसा में थी ये जनजाति, जो क्या करते थे, टोलियां बनाकर जो है जंगली पशुओं का शिकार करते थे और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। खाने में जंगली फल और पेड़ की जड़ों का इस्तेमाल होता था तथा खाना बनाने के लिए तेल जो था वो साल और महुआ के बीजों से प्राप्त होता था। साल क्या है, साल जो है एक तरह का पेड़ होता है और महुआ जो है एक तरह का फूल होता है जिसे खाया जाता है, या फिर महुआ का जो फूल होता है उसे शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उनसे जो थे वो तेल प्राप्त करते थे। ठीक है, चीजों की अदला बदली से इन्हें अनाज मिल जाता था। इसमें क्या था कि मान लीजिए इन्हें जंगल से कुछ मिला, जैसे कुसुम और पलास के फूलों का ज्यादा वो था, बाजार में ज्यादा वो थी, तो कुसुम और पलास के फूल जो थे जंगल से ले जाकर बाजार में बेचते थे और उसके बदले जो है वो कुछ और सामान जो जिनसे वो अपनी जीवन यापन कर सके, जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, ये चीजें ले लेती थे। तो चीजों की जो है अदला बदली भी से जो है इन्हें अनाज मिल जाता था। ठीक है, आगे देखिए, कुछ आदिवासी समुदाय ऐसे थे जो जानवर पालते थे। कुछ जानवर पालते थे, देखिए बहुत सारे आदिवासी समूह जो है जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। और ये कौन थे, ये थे चरवाहे, जो मौसम के अनुसार मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहां से वहां जाते थे। जब एक जगह पर जो है घास खत्म हो जाती तो ये दूसरे इलाके में चले जाते थे। तो देखिए, पंजाब के वनों में गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया जो थे वो क्या करते थे, गाय भैंसों के झुंड पालते थे। ठीक है, तो पंजाब के पहाड़ों में जो वनों में जो गुज्जर रहते थे और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय के लोग जो थे वो क्या पालते थे, गाय और भैंस पालते थे। ऐसे ही था कुल्लू का गद्दी समुदाय, जो क्या थे, गडरिये थे, और कश्मीर के बकरवाल जो थे वो क्या थे, बकरियां पालते थे। ओके, तो बकरवाल जनजाति जो है बहुत पूछी जाती है कि बकरवाल जनजाति कहाँ की है, तो ये है कश्मीर की। आगे देखिए, कुछ लोग जो है एक जगह खेती करते थे। अभी हमने झूम खेती देखी, जिसे क्या कहा जाता है, घुमंतू खेती, जो जगह जगह घूम कर की जाती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग थे जो एक जगह खेती करते थे। देखिए, ऐसी जनजातियां कौन थी जो एक जगह खेती करती थी, गोंड, संथाल और मोंडा, ये क्या थी, एक जगह खेती करते थे, स्थायी कृषि करते थे। बेसिकली ये साल दर साल एक ही खेत पर खेती करते थे,
हल का इस्तेमाल करते थे, जमीन पर सभी का बराबर हक होता था, कुछ लोग मुखिया बन जाते थे और बाकी जो थे उनके अनुयायी। ठीक है, आगे देखिए, औपनिवेशिक शासन का आदिवासियों पर प्रभाव, यानी कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है आदिवासी समूह का जीवन जो था वो बदला, उन पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। देखिए, आदिवासी मुखिया, पहले क्या होता था कि किसी भी एक बंदे को मुखिया बना दिया जाता था, फिर सारी जो जो भी शासन होता था वहां का वो किसके अकॉर्डिंग होता था, मुखिया के अकॉर्डिंग होता था। लेकिन ब्रिटिश शासन आने से क्या हुआ, उसका जो शासन था वो क्या हो गया, मतलब उसकी जो पावर थी वो कम हो गई, तो मुखिया की शासकीय शक्तियां जो थी वो छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम मानने पर बाध्य होने पड़ा। मुखिया अंग्रेजों के प्रतिनिधि मात्र रह गए, जिन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, यानी कि मुखियाओं की जो वैल्यू थी वो कम हो गई थी। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, देखिए घुमंतू काश्तकारों के जो समूह थे उनसे अंग्रेजों को बहुत परेशानी होती थी। क्यों? क्योंकि ये वो जो थे वो यहां से वहां भटकते रहते थे, उनसे क्या होता था कि अंग्रेज जो थे उनसे वो कर नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो कभी किसी जगह पर है कभी किसी जगह पर है। ठीक है, तो वो चाहते थे कि वो घुमंतू काश्तकार जो है वो स्थायी कृषि करें। देखिए, झूम खेती करने वाले घुमंतू काश्तकारों को भी स्थायी जमीन देकर एक जगह खेती करने के लिए बाध्य किया गया। कुछ किसानों को भूस्वामी तो कुछ को पट्टेदार बनाया गया। पट्टेदार भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे तो भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। पूर्वोत्तर राज्य में झूम काश्तकारों के विरोध के बाद उन्हें जंगल के कुछ भागों पर परंपरागत झूम खेती करने की अनुमति मिली। यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में जो है ब्रिटिश शासन के जो ये स्थायी कृषि करने वाला जो ये आइडिया था इसका विरोध किया गया। उसके बाद जो है उन्हें कुछ भागों पर जो है झूम खेती करने यानी कि घुमंतू खेती करने के लिए परमिशन मिल गई। ठीक है, आगे देखिए, काम की तलाश। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे, खनन जो था वो महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों, चाय बागान कहां पर, असम में, और झारखंड के कोयला खदानों में मजदूर ठेकेदार द्वारा नियुक्त होते थे, जिन्हें वो ठेकेदार जो थे वो बहुत ज्यादा कम वेतन देते थे और ना ही जो है उन्हें घर जाने देते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन कानून का प्रभाव। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण कर लिया था तथा जंगलों की राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। झूम काश्तकारों को मजबूरन अंग्रेजों द्वारा दिए गई जमीन पर खेती के साथ रेलवे की पटरियां बिछाने का भी काम करना पड़ता था। वन कानून के खिलाफ भी जो है विद्रोह हुआ। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में तथा 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह। यानी कि वन कानून जो है बनाया गया था जिस पर अंग्रेजों ने सारा नियंत्रण अपना कर लिया था उसके खिलाफ भी विद्रोह हुआ। ठीक है, 1906 में जो था वो असम में और 1930 में मध्य प्रांत में। आगे देखिए, व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापारी जनजाति समूहों को नकद कर्ज देने, वन उपज खरीदने तथा मजदूरी पर रखने के लिए उनके पास आने लगे थे। वर्तमान झारखंड के हजारीबाग के आसपास संथाल जनजाति के लोग रेशम के कीड़े पालते थे। व्यापारी अपने एजेंटों की को भेज उनसे कीड़ों का कृमि कोष खरीद कर वर्धमान या गया भेज देते थे 5 गुना कीमत पर। यानी कि वो उन लोगों से कम कीमत पर खरीदते थे और ज्यादा कीमतों पर बेचते थे उसको। इस तरह बिचौलिए जो थे वो खूब कमा रहे थे जबकि उत्पादक जनजाति को बहुत कम मुनाफा होता था। लगभग यही हाल हर व्यापार वर्ग का था, मतलब व्यापारी वर्ग जो था ये यही कर रहा था कि कम कीमतों पर वो चीजें खरीदते थे और उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेचते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है बगावत। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न आदिवासी समूहों द्वारा विभिन्न भागों में बदलते कानूनों, व्यवहारिक पाबंदियों, नए करों, व्यापारियों और महाजनों द्वारा शोषण के खिलाफ विद्रोह किया गया। यानी कि बगावत हुई, जो भी व्यापारी थे, महाजन थे, जो बड़े पद पर थे उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, जो किसने किया था, आदिवासी समुदायों ने। 1831 और 32 में एक हुआ था कोल आदिवासियों द्वारा। ठीक है, संथालों ने जो है बगावत की थी 1855 में। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में और महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था 1940 में। तो वर्ली विद्रोह याद रखिए महाराष्ट्र में हुआ था, संथालों ने 1855 में किया था और मध्य भारत में हुआ था बस्तर विद्रोह जो कब हुआ था, 1910 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे ही एक जनजाति समुदाय के एक बहुत फेमस नाम हुआ है बिरसा मुंडा। ठीक है, वो भी क्या थे, आदिवासी समुदायों से ही थे, उन्होंने भी कुछ इस तरह के विद्रोह में जो है भाग लिया था। तो देखिए,
बिरसा का जन्म जो है 1870 के दशक के मध्य हुआ, ठीक है। शिक्षा जो थी ईसाई मिशनरियों में वैष्णव धर्म प्रचारक की संगत इत्यादि से प्रभावित हुए, यानी कि वो जो थे स्थानीय मिशनरी स्कूलों में जाने लगे थे बिरसा। उसके बाद जो है वहां पर उन्हें उनके उपदेश सुनने का मौका मिला, जिनसे वो जो थे वो काफी प्रभावित हुए। बिरसा मुंडा का आंदोलन जो था वो मिशनरियों, महाजनों, हिंदू गोस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। यानी कि बेसिकली जवाहरी ताकतें थी, महाजन थे, व्यापारी थे, इनसे जो है लोगों को मुक्ति दिलाना जो था उसका काम था, ठीक है। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर दंगे के आरोप में 2 साल की सजा दी गई। 1897 में बाहर आकर उन्होंने रावणों यानी कि दिक्कुओं तथा यूरोपियों, दिक्कुओं वर्ड जो है बाहरी लोगों के लिए यूज हुआ है, जो भी व्यापारी थे, सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, जो भी बाहरी थे मतलब व्यापारी हुए, महाजन हुए, इन सभी के लिए जो है उन्होंने दिक्कुओं वर्ड यूज किया था, जिसका मतलब क्या था कि बाहरी लोगों की गुलामी से आजादी, उनकी गुलामी ना करना, को तबाह करने का आह्वान किया। सफेद झंडा जो था वो बिरसा का राज प्रतीक था। बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई सन 1900 में हैजा से, और दीको जो है वो कौन थे, बाहरी लोग थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संथालों ने कब बगावत की? तो संथालों ने बगावत की थी 1855 में। ओके नेक्स्ट देखिए, बस्तर आएगा, सॉरी यहाँ पे बक्सर लिखा हुआ है, बस्तर विद्रोह जो हुआ था, बस्तर में जो है विद्रोह कब हुआ? बस्तर में विद्रोह हुआ था 1910 में। वर्ली विद्रोह कहाँ पर हुआ? वर्ली विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में, और ये कब हुआ था? 1940 में हुआ था। वर्ली विद्रोह कब हुआ? 1940। बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा की मृत्यु हुई थी 1900 में हैजा से। साल क्या था? एक वर्ष, एक पशु, एक पेड़ या एक मौसम? तो हमने पढ़ा था साल का जो था क्या, साल क्या था? एक वृक्ष का नाम था जिससे तेल का इस्तेमाल बनाने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। दीकू शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? अंग्रेज, साहूकार, महाजन, सभी। तो दीकू शब्द जो था वो बाहरी शक्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो राइट आंसर आएगा सभी के लिए। बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? मुंडा, कोल, वीर या संथाल? तो बिरसा का जन्म था वो मुंडा जनजाति के समुदाय में हुआ था, तो बिरसा मुंडा। अगला देखिए, मुंडा जनजाति समूह कहाँ निवास करता है? मद्रास, पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर या सफी? तो मुंडा जनजाति समूह जो था वो कहाँ पर निवास करता है? छोटा नागपुर, झारखंड में है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिरसा का समर्थन करने वाले जनजाति समूह थे संथाल, मुंडा, उरांव या सभी? तो राइट आंसर आएगा सभी ने जो है बिरसा का समर्थन किया था। सोंग्रम संगमा किस क्षेत्र से संबंध रखता था? बंगाल, सिक्किम, असम, उड़ीसा? तो सोंग्रम संगमा जो थे ये असम से रिलेटेड थे, जिन्होंने वन के बारे में था, वन के खिलाफ विद्रोह किया था, जो भी अंग्रेजों ने जो नीति बनाई थी उसके खिलाफ, ठीक है। वन सत्याग्रह विद्रोह जो था वो कब हुआ? वन सत्याग्रह विद्रोह हुआ था 1930 में। वन सत्याग्रह विद्रोह कहां पर हुआ? ये हुआ था मध्य प्रांत में। चाय के बागानों की स्थापना कहां पर की गई थी? चाय के बागानों की स्थापना की गई असम में। कोल आदिवासियों ने कब विद्रोह किया? तो कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया था 1831-32 में। महुआ एक प्रकार का था, महुआ जो था वो क्या था, एक फल था जिसका यूज शराब बनाने के लिए किया जाता था। महुआ का प्रयोग किस में होता था? शराब के लिए। कोंड समुदाय कहाँ का जनजातीय समूह है? कोंड समुदाय जो है ये कहाँ का है? ये है उड़ीसा का, ठीक है। जो क्या करते थे कोंड समुदाय के जो थे वो क्या करते थे, शिकारी और संग्राहक थे। किस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते थे? तो अभी पढ़ा हमने खोंड, शिकारी जो कौन थे, खोंड जनजाति के, जो उड़ीसा की थी। कपड़े व चमड़े के लिए किसका प्रयोग होता था? कपड़ा और चमड़ा के लिए जो है प्रयोग होता था कुसुम व प्लाश का, ठीक है। एक स्थान पर टिककर रहने वाले समुदाय कौन से थे? मुंडा और भीम, गोंड और संथाल, बकरवाल तथा कोल या सभी? तो जो एक स्थान पर टिककर रहने वाले समुदाय थे वो थे गोंड और संथाल, ठीक है। अंग्रेजों की नजर में जंगलों में रहने वाले होते थे बर्बर, आदिवासी, सभ्य या घुमंतू?
राइट आंसर होगा यहाँ पे बर्बर। ठीक है, 18वीं शताब्दी में किसने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया? तो किसने किया था जंगलों पर नियंत्रण स्थापित? अंग्रेजों ने। नए कानूनों का सबसे ज्यादा असर किस पर हुआ? अंग्रेज, चरवाहा, व्यापारी या आदिवासी? तो नए कानून जो बने थे उनका सबसे ज्यादा असर हुआ था आदिवासियों पर। रेल की पटरियों के नीचे बिछाए जाने वाले तख्ते कहलाते थे स्लीपर्स, निकोल, फट्टे या सभी? तो रेल की पटरियों के नीचे जो तख्ते बिछाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है स्लीपर्स। सोंग्रम संगमा द्वारा विद्रोह कब किया गया था? ये असम में किया था ये विद्रोह, तो ये किया गया था 1906 में। झूम खेती को कहा जाता था घुमंतू खेती। जंगलों में अधिकांश किस प्रकार की खेती की जाती है? तो राइट आंसर होगा घुमंतू खेती। नेक्स्ट देखिए, घास को जलाने से बनी राख में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता था? नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर या फिर जिंक? तो उसमें होता था पोटाश। ओके, नेक्स्ट देखिए, झूम खेती में बीजों को कैसे बोया जाता था? रोप कर, खोद कर, बिखेर कर या सभी? तो झूम खेती जो करते थे वो बीजों को ना ही तो रोपते थे ना ही उन्हें खोद कर लगाते थे, वो क्या करते थे सीधा उन्हें बिखेर देते थे। तो राइट आंसर आएगा बिखेर कर। कुछ समय के लिए खाली रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? परती, बंजर, पत्थरक, पंजर। तो कुछ समय के लिए जो भूमि खाली छोड़ दी जाती थी उसे क्या जाता था? परती। ताकि उससे क्या होता कि जमीन जो थी वो दोबारा उपजाऊ हो सके। ठीक है, कुसुम व पलाश एक प्रकार के क्या थी? कुसुम व पलाश जो थे वो एक प्रकार के फल थे। लबाड़िया जनजातीय समुदाय कहाँ का निवासी था? नहीं सॉरी, कुसुम व पलाश एक प्रकार के पेड़ थे। वेट, सॉरी, यहाँ पे जो है कुसुम व पलाश जो थे वो एक प्रकार के फूल थे। ठीक है, जिससे चमड़ा और वो बनाया जाता था। ओके, नेक्स्ट देखिए, लबाड़िया जनजातीय समुदाय कहाँ का निवासी था? तो लबाड़िया जनजातीय समुदाय निवासी था आंध्र प्रदेश का। गुज्जर व लबाड़िया कौन से पशु पालते थे? गाय, बकरी, भैंस या सभी? तो राइट आंसर आएगा सभी। ठीक है, गुज्जर कहाँ थी? पंजाब के वनों में, और लबाड़िया आंध्र प्रदेश की। ठीक है, अगला देखिए, गद्दी समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? सूरत, कुल्लू, छोटा नागपुर या सभी? तो गद्दी समुदाय कहाँ पर रहता था? कुल्लू में। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए क्या प्रयोग होता था? यानी कि घुमंतू खेती के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता था? तो वो था बेवड़। बेवड़ भी क्या होती है? एक प्रकार की घुमंतू खेती ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरवाल समुदाय पालता था। बकरवाल समुदाय कहाँ का था? ये उधर जम्मू और कश्मीर का, जो बकरियां पालता था। गद्दी समुदाय के लोग पेशे से क्या थे? गडरिये। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कौन सा समुदाय रहता था? तो कश्मीर में कौन सा समुदाय रहता था? बकरवाल समुदाय। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जगह जगह पर किसके नेतृत्व में हुआ, ये सारी चीजें देखेंगे। तो अगला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।